हेलो एवरीवन, वीडियो देखिया पर आम यूट्यूब चैनल उत्कल आईक्यू को सब्सक्राइब कर दिंतु, घंटी बटन दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। आज मुझे अष्टम श्रेणी सरलगणित ज्यामिति परिमिति मेन्सुरेशन अनुशीलनी 5E पढ़ेबी। 5E र 1, 2, 3 नंबर मोर पार्ट 1 भिडियो अच्छी। नेक्स्ट पार्ट 2 भिडियो 4, 5, 6, 7 नंबर रही। जदि किसी भिडियो डाउट आसे मत कमेंट सेक्शन में पचारंतु। बर्तमान आम जा 1 नंबर क्वेश्चन से देखिए कौन निम्नस्थ सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय कर। जो सामांतरिक क्षेत्र गोटे बाहूर दैर्घ्य 4 डेसीमीटर और से ही बाहू प्रति अंकित उच्चता 1 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर हेले तार क्षेत्रफल केते हेबो। ताने प्रथमे कौन करिबा सामांतरिक क्षेत्र गोटे बाहूर दैर्घ्य केते 4 डेसीमीटर। गोटे डेसीमीटर माने 10 सेंटीमीटर, 4 डेसीमीटर माने केते 40 सेंटीमीटर। से ही बाहू प्रति अंकित उच्चता गोटे डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर माने के 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर सान 18 सेंटीमीटर। सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल कौन बाहूर दैर्घ्य गुणन से ही बाहू प्रति अंकित उच्चता। तेनाली आम के 40 बाहूर दैर्घ्य अंकित उच्चता के 18 तेना 40 × 18 सामान 720 वर्ग सेंटीमीटर। अतए सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर। बर्तमान आम जा सेकेंड क्वेश्चन। गोटे बाहूर दैर्घ्य 2 मीटर 55 सेंटीमीटर से बाहू प्रति अंकित उच्चता 1 मीटर 4 सेंटीमीटर हेले तार क्षेत्रफल निर्णय कर। तेने कौन करवा सामांतरिक क्षेत्र गोटे बाहूर दैर्घ्य के 2 मीटर 55 सेंटीमीटर माने के 255 सेंटीमीटर और से बाहू प्रति अंकित उच्चता के 1 मीटर 4 सेंटीमीटर माने के 104 सेंटीमीटर। तेने सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल कौन हम बाहूर दैर्घ्य आई बाहू प्रति अंकित उच्चता। तेने बाहूर दैर्घ्य के 255 से बाहू प्रति अंकित उच्चता के 104 ते 255 × 104 गुण के 26,520 वर्ग सेंटीमीटर। अतए सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल हो 26,520 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट जीवा हमें 3 नंबर क्वेश्चन। गोटे कर्णर दैर्घ्य 12 मीटर और यार एक पार्श्वस्थ गोटे कौणिक बिंदु या प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य 4 मीटर। तेने सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल मागिच्छी से हमको। तेने सामांतरिक क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य के 12 मीटर विपरीत बिंदु या प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य के 4 मीटर। तेना सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल के गोटे कर्ण दैर्घ्य इंटु कर्ण प्रति विपरीत बाहूर कौणिक बिंदु अंकित लंबर दैर्घ्य। तेना कौन हम 12 × 4 = 48 वर्ग मीटर। अतए सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल हो 48 वर्ग मीटर। यही सब सूत्र गुड़ी सब खातें नोट कर दिंतु। या द्वारा आप जहाँ भी क्वेश्चन आसो आप आराम से करें। नेक्स्ट जी आम 2 नंबर क्वेश्चन। गोटे सामांतरिक क्षेत्र 2 सन्निहित बाहू एक कर्ण दैर्घ्य यथाक्रमे 26 मीटर 28 मीटर और 30 मीटर हेले तार क्षेत्रफल निर्णय कर। तेने कौन करवा एबीसीडी दत्त सामग्री इक्वल टू कौन हो 26 सेंटीमीटर। तेने आम के नलु इक्वल टू 26, बीसी इक्वल टू के 28 सेंटीमीटर, एसी इक्वल टू के 30 मीटर। ताने से कही त्रिभुज ए रे ते ए ना के 26 ने स्मल ए बी हेले 28 मीटर ना सी के 30 मीटर ना। तेणु एबीसी त्रिभुज रे तेणु त्रिभुज एबीसी हूँ कौन विषम बाहु त्रिभुज कारण 3टा बाहु सामान नुहे। तो त्रिभुज एबीसी रो अर्धपरिसीमा के एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तेणु एस हूँ कौन अर्धपरिसीमा तेणु ए के 26 प्लस बी के 28 प्लस सी के 30 / 2 सामान के 84 / 2 सामान 42 मीटर। अतएव त्रिभुज एबीसी अर्धपरिसीमा एस इक्वल टू 42 मीटर। त्रिभुज एबीसी विषम बाहु क्षेत्रफल सूत्र आम कौन जानू रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तेणु एस जगह 42 × 42 − 26 × 42 − b = 42 − 28 × s − c = 42 − 30 र होल रूट ओवर करदे आम एनसर पाइले के 336 वर्ग मीटर। अतए एबीसीडी सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल हो 2 × ABC त्रिभुज क्षेत्रफल कारण ए त्रिभुज क्षेत्रफल जहाँ हम ए त्रिभुज क्षेत्रफल सी हम एबीसी इक्वल टू एडीसी त्रिभुज। तेणु दुटा को मिसाई देखें कौन एबीसीडी सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल पाई तेणु 2 × 336 = 672 वर्ग मीटर। अतए एबीसीडी सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल सामांतरिक क्षेत्र क्षेत्रफल हो 672 वर्ग मीटर। नेक्स्ट जीवा ये पार्टर शेष क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। गोटे सामांतरिक क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य 204 सेंटीमीटर 252 सेंटीमीटर। गोटे बाहूर दैर्घ्य 60 सेंटीमीटर यार क्षेत्रफल निर्णय कर। ताने कौन करिया एबीसीडी सामांतरिक क्षेत्र कर्ण दैर्घ्य के एस इक्वल टू 252 सेंटीमीटर, बीडी इक्वल टू के 204 सेंटीमीटर, ओसी इक्वल टू 252 126 सेंटीमीटर कारण यार विपरीत यार कर्ण परस्पर को जो समद्विखंड करे। तेणु अब कौन 204 × 200 = 102 सेंटीमीटर। तेनाली त्रिभुज ओ बी सी बर्तमान कौन कर त्रिभुज ओ बी सी
ର ବାହୁତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 102 ସେଣ୍ଟିମିଟର 126 ସେଣ୍ଟିମିଟର 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଓବିସିର ଅର୍ଦ୍ଧପରିସମାନ କେତେ ଏ 102 ପ୍ଲସ 126 ପ୍ଲସ 60 ବ୍ୟକ୍ତ 200 ମାନ 288 ବ୍ୟକ୍ତ 200 ମାନ 144 ମିଟର ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଓବିସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ରୁଟ ଓଭର ଅଫ୍ ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି କାରଣ ତିନିଟା ବାହୁ ସମାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ରୁଟ ଓଭର ଅଫ୍ ଏସ୍ କେତେ ପାଇଛୁ 144 ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ 144 ମାଇନସ୍ 102 ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଜାଗାରୁ 144 ମାଇନସ୍ 126 ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ଜାଗାରୁ 144 ମାଇନସ୍ 60 ଆନ୍ସର 144 ଇଣ୍ଟୁ 42 ଇଣ୍ଟୁ 18 ଇଣ୍ଟୁ 84 ରୁଟ ଓଭର ସେମାନେ କେତେ ଆସିବେ 3024 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲେ ଓ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲେ ଏହାର ଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା ହେବ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେଇଆ ହେବ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେଇଆ ହେବ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେଇଆ ହେବ ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଇଏର ଏ ବି ସି ଡି ରମ୍ବସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏ ବି ସି ଡି ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ 4 ଇଣ୍ଟୁ ଓବିସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓବିସି ତ୍ରିଭୁଜର ତେଣୁ 4 ଇଣ୍ଟୁ ଓବିସି ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ 3024 ସେମାନେ କେତେ ହେଉଛି 12096 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅତେପ ଏ ବି ସି ଡି ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 12096 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।